हेलो एवरीवन, नूतन सोल टीएमके में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ। बट फर्स्ट, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज मैं आप सबों के लिए नारियल की गुड़ वाली लड्डू लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, टेस्टी होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ में मैंने इसे बनाया है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे नारियल के लड्डू, बहुत सारे नारियल की मिठाई मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये गुड़ वाली मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 1 कप, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं, या तो फिर आप फ्रेश नारियल भी इसकी जगह ले सकते हैं। उसे भी आप दरदरा कर लेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे जब तक उसका तेल पूरी सूख ना जाए। और यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल के जगह पे 1 कप नारियल के साथ में मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है। आप गुड़ की मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसे हमें चलाते रहना है और तब तक चलाना है जब तक कि ये गुड़ पूरी तरह से नारियल में मिक्स ना हो जाए। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो फिर नारियल जो है वो जलने लग जाती है। ये देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर किया हुआ है जो कि नारियल से बनी हुई है, तो आप उसे आप देख सकते हैं जाके। वो भी बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बन के रेडी हुई है, बहुत अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं जो नारियल से मैंने बनाया है, तो आप उसे भी जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है नारियल के साथ में। और ये जब पूरी तरह से मिक्स हो जाए, इसका कलर पूरा गुड़ की जैसी हो जाए और गुड़ भी सूखने लग जाए, तब इसका मैं लड्डू बना लूँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लड्डू गरम गरम ही आप बनाइएगा, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के, तो हाथ में सटेगी नहीं ये। ये देखिए, आप अपने लड्डू के साइज को बड़ा छोटा जो भी कर सकते हैं, जिस भी शेप में आप इसे डाल सकते हैं। आप इसी का पेड़ा भी बना सकते हैं। मैंने इसे लड्डू बना लिया और यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है, नारियल का बुरादा ले लिया है और उसके ऊपर मैं इसे घुमा दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से इसमें मैं इसे अच्छे से घुमा दे रही हूँ, जिससे कि इसमें इसका स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये खूबसूरत भी दिखे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी को नारियल के बुरादे में मिक्स कर दिया है। अब ये हमारी ये लड्डू नारियल वाली गुड़ वाली रेडी है। ये आप ठंडे के मौसम में खाइए, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, मुझे विश्वास है बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्दी है, मैंने यहाँ थोड़ा भी घी का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कितनी हेल्दी है, आप इसे जरूर बनाइए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।